वेलकम दोस्तों, मेरा आप सक्रियत से होंगे, आप लोगों को आपके ही चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे रिलेक्टम प्रो की नेक्स्ट क्या अपडेट है और रिलेक्टम प्रो वाले नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है जो कि 25 मई की जो है वो दोस्तों न्यूज़ है। इसमें दोस्तों इनका जो मतलब कि ये फाइनल टेस्टिंग ये लोग करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट, ये देखें दिस फीचर इज करंटली बीइंग फाइनल टेस्टेड, यानी कि इनकी जो डेवलपमेंट न्यूज़ है जो कि इनकी डेक्स आने वाली है उसकी टेस्टिंग जारी है। और यहाँ पे दोस्तों बताया कि द लिस्टिंग प्रोसेस टेक्स नॉट मोर देन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना। ऑटोमेटिक लिस्टिंग ऑफ यूजर्स टोकन क्रिएटिंग इन रिलेक्टम ब्लॉक चेन, अगर आप दोस्तों कोई भी टोकन जो है वो क्रिएट करते हैं रिलेक्टम ब्लॉक चेन में तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एडिड हो जाएगा टेस्ट वर्जन ऑफ रिलेक्टम डेक्स में, यानी कि ये भी टेस्ट वर्जन चल रहा है, अभी इसका जो है वो मेन नेट का वर्जन नहीं आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 25 मई की न्यूज है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने काफी कुछ हाईलाइट किया है रिलेटेड टू रिलेक्टम डेक्स के, रिलेक्टम डेक्स बेसिकली क्या होगी तो इस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर दिखाएं तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, यानी कि अटेंशन वी हैव स्टार्ट रिलेक्टम टेस्टिंग ग्रुप एंड वी हैव कंप्लीटेड फेज 2, यानी कि इन्होंने फेज 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है जो कि दोस्तों इनकी डेक्स टेस्टिंग का चल रहा है। अब ये लोग फेज 3 में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन ओपन किया, अगर आप इसको फॉर्म को ओपन करें तो यहाँ पे आपने अपना टेलीग्राम यूजर नेम लिखना है, आपका क्या नेम है, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, योर यानी कि आपके इंग्लिश का जो प्रोफेशनल लेवल है वो क्या है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मेरी इंग्लिश इंटरमीडिएट है, एडवांस है या नेटिव स्पीकर हो। यहाँ पे दोस्तों बताया है डू यू हैव 1 आवर फ्री टाइम पर डे, क्या आपके पास 1 घंटे का फ्री टाइम है रोजाना के लिए, यहाँ पे आप बता सकते हैं। डू यू हैव एक्सपीरियंस पार्टिसिपेटिंग इन टेस्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, आपने किसी भी टेस्टिंग की कोई भी प्रोडक्ट है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप उसके बारे में इनको बता सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिलेक्टम डेक्स के कुछ हाईलाइट किए हैं कि इसमें एक दोस्तों इसमें जो है वो इस्लामिक NFT भी है, यानी कि इस्लामिक NFTs भी है, इनकी अपनी NFT मार्केट प्लेस है जो कि लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा रिलेक्टम NFT इस्लामिक ड्रॉन अटेंशन, तो कजान सबमिट जो है वो इसके बारे में दोस्तों ने बताया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 4 डोमेन है इसके बारे में बताया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों इन्होंने हाईलाइट की है। अब व्हाट इज रिलेक्टम डेक्स, तो ये जो है वो मेन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में इसके लिए ओपन कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने इसका टेलीग्राम ओपन कर लेना है जहाँ से आपको पता चलेगा रिलेक्टम डेक्स बेसिकली है क्या। मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बताऊँ, रिलेक्टम डेक्स जो है वो जैसे कि और डेक्सेस हैं उनकी तरह डेक्सेस है, लेकिन इसमें चीप फीस होगी और बेसिकली इसमें इनका नेटिव टोकन जो है वो GTN जो है वो यूज होगा, जिसकी वजह से GTN की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। आप इसकी चेक कर सकते हैं, इसकी NFT मार्केट प्लेस पे भी GTN का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों मुझे लग रहा है और फ्यूचर का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी हम कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी ये स्टिल जो है वो बिल्डिंग में है और इनकी जो Q3 में लिस्टिंग भी है एल बैंक एक्सचेंज के ऊपर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी आपका क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।